हेलो, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आयुष चिकित्सक चैनल पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका चित परिचित दोस्त डॉक्टर आयुष चिकित्सक आपके सामने आज टॉपिक लेके आए हैं, हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए और इसकी क्या ट्रीटमेंट किया जाए, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारा ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, ऐसी दवाई बताऊँगा कि जो है ना जो इसके लिए बहुत कारगर होगी और जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए और कैसे हार्ट अटैक से बचा जाए। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, अपन जैसे मान लेते हैं हार्ट को जो है ना, जैसे हार्ट का काम होता है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना। और दोस्तों, जब ये ब्लड सप्लाई करता है तो इसको भी अपने लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसको भी खून की ज़रूरत होती है अपने लिए। तो दोस्तों, इसको जो ब्लड सप्लाई होता है वो तीन रगें इसको सप्लाई करती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। दोस्तों, ये जैसे मैं आपको हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये जो इसका सप्लाई होता है ये इधर लेफ्ट राइट साइड में होता है, ये लंग्स वगैरह के लिए होता है। और ये जो है ना ये ऊपर होता है, सॉरी, ऊपर ब्रेन को सप्लाई होता है और ये लंग्स वगैरह के लिए। और ये फिर नीचे आ जाती है, ये पैरों को सप्लाई होता है। तो दोस्तों, अब हार्ट को जो है ना तीन रगें सप्लाई करती हैं, तीन आर्टरीज के जरिए हार्ट को सप्लाई होती है। और अगर उन तीन में से किसी एक में भी जो है ना ब्लॉकेज हो जाए तो उसको जो है ना हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों, एक तो ये होती है, इसे राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और दोस्तों, एक ये होती है, इसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इसमें से दो ब्रांचें होती हैं दोस्तों, ये पूरा जो है ना हार्ट को सप्लाई करती हैं तीनों रगें। और इनमें से कोई किसी भी उसमें फॉल्ट हो जाए तो दोस्तों वो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हार्ट अटैक से जो है ना कैसे बचा जाए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये पूरा जो है ना ये आर्टरी होती है, इसे राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और दोस्तों, इसे LCX और इसे LAB। LCX का मतलब वो होता है ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्सिस कोरोनरी आर्टरी, और ये LAD जो होता है ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट साइड की होती है, एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट ये होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, और ये सर्कमफ्लेक्सिस होती है। दोस्तों, अब ब्लॉकेज जो होता है, इन तीनों में से किसी एक में ब्लॉकेज हो जाए तो दोस्तों फिर जो है ना ये हार्ट अटैक की दिक्कत आती है और जो है ना ब्लॉकेज की दिक्कत आती है। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे जो हार्ट है इसको 20% ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ये अगर ये आर्टरीज, ये रगें अगर सही काम कर रही हैं तो ये 100% ब्लड पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अब जब ये मान लो 20% जो है ना, इसके 80% कोई सी भी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारा ब्लड जो है ना उसमें 20% की ज़रूरत होती है इसको, हार्ट को, तो 20 के 20% उसको पूर्ति होती रहती है। तो आदमी को पता नहीं चलता है कि भाई हार्ट अटैक के जो है ना ये ब्लॉकेज हुई है या नहीं हुई है, कुछ इस तरह का है कि नहीं है।
जब इससे ऊपर होने लगती है दोस्तों तो फिर प्रॉब्लम आती है। दोस्तों अब एक बात और बता दूं, जैसे आदमी अगर जितना ऊपर बढ़ जाएगा ये ब्लॉकेज, उसी के हिसाब से अगर आदमी दौड़ेगा, दौड़ने में दोस्तों जो है ना 30% ब्लड सप्लाई चाहिए, चलने में 20% ब्लड चाहिए हार्ट के लिए, अपनी सप्लाई के लिए। इसको 20% अगर ब्लड मिलता रहेगा तो आदमी चलने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, दौड़ने में अगर 30% तक इसको ब्लड सप्लाई होता रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर बैठा है आराम करने में 10% की ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो दोस्तों अब ये हमें जो है ना, जैसे दौड़ने में अगर दिक्कत होने लगी है, हमारा सांस फूलने लगता है या सीने में दर्द होता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो है ना 70% से ऊपर ब्लॉकेज हो गया है। और अगर चलने में भी दिक्कत होती है, चलने में सीने में दर्द होता है और सांस फूलता है, पसीने आते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो है ना ये 80% ब्लॉकेज हो गई है। दोस्तों अगर अब आराम करने में भी जो है ना, उठने बैठने में जो है ना, अगर लेटे में है तो उसमें भी अगर सीने में दर्द हो, परेशानी हो, तो इसका मतलब ब्लॉकेज 90% हो गई है। तो दोस्तों अब ये परसेंटेज था कि भाई कब कितनी ब्लॉकेज हो जाए, अब ये आपको देखो भाई कितना आप कितना वो चाहते हैं कि ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और मैं भी आशा करता हूँ कि जो है ना किसी को ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं हो। तो अब दोस्तों अगर ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, तो ये एक हिस्सा इसका हार्ट का डेड हो जाएगा। अब एक हिस्सा डेड होगा तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, और इसे बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। दोस्तों इसे माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर इतने हिस्से में जो है ना ब्लॉकेज हो गए यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसे माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इससे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जिसे बोलते हैं ना कि 3-2 हार्ट अटैक आ गए तो और तीसरा ये, तो ये उसमें से होता है जो जिनको हार्ट अटैक कम आता है तो उसको जो है ना, और इसमें अगर आदमी जो है ना लापरवाही कर देता है, हालांकि लापरवाही नहीं करना चाहिए दिल के मामले में, तो इसमें क्या है फ़ौरन जो है ना डॉक्टर से मिलना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, यूँ ही नहीं छोड़ना चाहिए भाई चलो अभी तो यूँ ही पहला है तीसरे का इंतज़ार करेंगे मरने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। दोस्तों अगर ब्लॉकेज यहाँ हो जाता है तो ये हार्ट का जो है ना काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाएगा, इसे बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। दोस्तों इसमें जो है ना ज़्यादा हिस्सा जो है इससे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, इसकी बंद होने की वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर टाइम पे जो है डॉक्टर के पास ले गए पेशेंट को तो बच जाता है, और अगर ज़्यादा देर कर देते हैं तो फिर चांस कम हो जाते हैं। और दोस्तों एक अगर यहाँ पे हो जाए ब्लॉकेज, यहाँ पे हो जाए, इसे बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। इसमें दोस्तों आपने कई बार सुना होगा भी जो रात को सोते का सोते ही रह गया, या एकदम 2-3 मिनट में जो है ना आदमी का काम हो जाता है इसमें, तो इसमें किसी भी मतलब हॉस्पिटल तक जाने की तक की भी नौबत नहीं आती है और आदमी पहले ही जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें ये जो है ना इन चीज़ों को, ये हमारा जो ये ब्लॉकेज है ये कैसे कम होगा और कैसे हम इससे बच सकते हैं, और दोस्तों इसकी सिम्टम्स और बता दूं मैं आपको। इसमें जब ये ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज होने के बाद में जो है ऐसे भारीपन सा होता है और टाइटनेस सा होता है, जैसे जकड़न सी होती है, ऐसे सीने पर दबाव सा होता है और सीने में दर्द होने लगता है, और सीने से दर्द जो है ना फिर जबड़े में भी आता है, गर्दन में भी आता है, शोल्डर में भी आता है, ये सब लेफ्ट साइड में होता है और पीछे की तरफ भी जाता है, पसीने आते हैं और दोस्तों घबराहट बेचैनी हो जाती है, दम घुटा घुटा सा होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, सांस फूलने लगता है। तो ये सब सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स नज़र आए तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो है ना अब इसमें अगर ये और ये ब्लॉकेज हुई तो इसमें दो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, एक तो होता बाईपास,
बाईपास का मतलब अगर यहाँ बिलोकेज हो गया तो ये दूसरी आर्टरी होती है, इसकी ब्रांचेज होती है, तो उसमें से कोई आर्टिफिशियल वो जोड़ के इसमें दूसरी इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई होने लगता है। एक होती है दोस्तों एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के जरिए एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोग्राफी करके उसमें क्या है कि एक नसों के जरिए जो है ना तार डाला जाता है, और जो है वो फिर वहाँ से जो अंदर मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, मान लो यहाँ जमा हुआ है तो उसको निकालते हैं। अब दोस्तों जब इससे इसके कोई जो है ना पूरे वो चांस नहीं होते कि भाई इससे ठीक हो जाए, कई बार जो है ना वो तार दूसरी जगह चला जाता है, तो कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और ये मान लो यहाँ से इसको रिमूव कर दिया एंजियोप्लास्टी के जरिए, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद में अब इसमें जो इसकी वेन में जो अंदर डैमेज हो रहा था वहाँ तो फिर पार्टिकल आके जो है ना जमा होंगे, या स्टंट भी डाल दिया तो वो भी फॉरेन बॉडी है तो उसमें भी जो है ना पार्टिकल जमा होंगे, फिर वो भी जो है ना ब्लॉकेज करेगा। और कई पेशेंट हो के बहुत पेशेंट हो के जो है ना स्टंट डालने के बाद में भी कई बार ब्लॉकेज हो जाता है। तो दोस्तों अब इसमें देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, जो ये वर्जिश करते हैं या जितने भी प्लेयर होते हैं उनकी बाईपास पहले से ही खुली होती हैं, ये मैं आपको समझा दूं कि उनकी बाईपास जितनी भी ये हैं ये सब ओपन होती हैं। जितनी आप मशक्कत करोगे, जितनी भाग दौड़ करोगे, जितनी मेहनत करोगे, तो उतना ही आपको जो है ना इस ये सारी नसें खुल जाती हैं, दिल की सब नसें खुल जाती हैं, सब में ब्लड सप्लाई होता है। और कम मेहनत करते हैं मोटापा हो जाता है तो उसकी वजह से, या वर्जिश कम करते हैं उसकी वजह से इनमें ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अब मान लो कोई मेहनत करता है और ये यहाँ ब्लॉकेज होगी, पहली बात तो उनको ब्लॉकेज होने के चांस कम होते हैं, और अगर हो भी जाती है तो ब्लड सप्लाई ये दूसरी ब्रांचेस इसको आगे सप्लाई करने लगते हैं, या हुई तो ये दूसरी ब्रांचेस से आगे ब्लड इसमें आने लगता है और ये पूरे इसको सप्लाई होने लगता है। तो दोस्तों हमें जो है ना हर टाइम इससे अवेयर रहना है, और इनको जो है ना इसको हल्के में नहीं लेना है। और दोस्तों इसका मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, ये इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी ब्लॉकेज के बारे में। तो इसमें क्या है, अपने को जो है ना जितने भी एनिमल फूड्स हैं वो सब बंद करने हैं, बिल्कुल बंद करने हैं। ये इंतज़ार नहीं करना कि अभी छोटा अटैक आया है तो अभी दो और बाकी हैं, दूसरे का बिल्कुल परवाह नहीं करनी है दोस्तों। और एक बात और बता दूँ, देखो मैं आपको जैसे ये वाइल्ड ये वेन है इसमें ब्लॉकेज होना ये चालू होता है, ये फिर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और फिर ये और ये जो है ना एकदम फट जाता है, तो ये एकदम हार्ट अटैक इससे बन जाता है, ये बिल्कुल इससे सप्लाई बंद हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। अब मान लो जैसे कोई रबड़ बैंड होता है, उसमें पैसे रखते हैं या कोई सामान रखते हैं, कोई कागज़ रखते हैं रबड़ बैंड में, उसमें तुम डालते जाओगे तो एक बार वो भी टूट ही जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, अब जो रबड़ बैंड में मान लो पैसे रख रखे हैं, अब उसमें से रोक दोगे और पैसे डालने, तो दोस्तों उससे आप बचे रहोगे। और उसमें से और क्या करना है, उसमें से जो है ना पैसे कुछ निकालने चालू कर दो। अब अपने को भी यही करना है कि जो हमारा जो ब्लॉकेज है उसको निकालना चालू करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। तो बढ़ेगा कैसे, एनिमल फूड से, और ये जितने भी तेल होते हैं ऑयल होते हैं इनमें ट्राइग्लिसराइड होती है, तो ये अपने को बिल्कुल बंद करने हैं। जब ये बंद होंगे तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी तो नहीं बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा तो फिर हार्ट अटैक के भी चांस नहीं होते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले जो सप्लाई जा रही है जो कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की, इनको सबसे पहले काम है हमें उन्हें बंद करना है, या वो अंदर नहीं जाने चाहिए, और जो है उसको वापस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों कई दवाइयाँ हैं, देसी दवाइयाँ हैं बहुत सारी हैं, कई दवाइयाँ हैं, तो उसमें से कुछ दवाइयाँ मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसके बाद में मैं और विस्तार से उन दवाइयों के बारे में बताऊँगा। इसमें कलौंजी, कलौंजी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, हार्ट ब्लॉकेज वाले को कलौंजी बहुत शानदार काम करती है। और इसका सेवन करें, इसको जो है ना फंकी भी लगा सकते हैं, इसकी कलौंजी को कहते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें इलाज है, हर चीज़ का, और हार्ट के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होती है। और इसके अलावा खमीरा, खमीरा आप रेशम ले लो, हकीम अरसद वाला खमीरा गाओ जबान हो, खमीरे दोस्तों दिल की ताकत के लिए और जो है ना कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत शानदार काम करते हैं। तो दोस्तों हमें खमीरा लेना चाहिए और कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए,
और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमें इसमें जो एनिमल फूड्स हैं उन्हें बंद करना है, और ऑयल ऑयल को बिल्कुल बंद करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको, और जो है ना इसके अगले वीडियो में जो है ना इसका पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं, जो देसी दवाइयों के ज़रिए जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इसको वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।